और सब भाई कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइज आज हम फिर से खेलने वाले इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D। तो गाइज आपको याद होगा हमने पिछले वाले वीडियो में एक न्यू शोरूम स्टार्ट किया था। तो गाइज उसमें हमने हमारी खुद की गाड़ियाँ रख दी थी। तो गाइज उस शोरूम में हमने एक इंचार्ज रखा था गाइज उसको गाड़ियाँ बेचने के लिए। तो गाइज उसका अभी फ़ोन आया, वो कह रहे सिर्फ एक ही गाड़ी बची है फॉर्चुनर, बाकी की सब गड़े बिक गई। आपको याद होगा गाइज उसने कुछ ज़्यादा पेमेंट लेके एक दिन के अंदर अंदर गाड़ियाँ बिक देने का वादा किया था गाइज। वो ज़्यादा पेमेंट ले रहा है लेकिन हमारा प्रॉफिट भी हो रहा है गाइज। तो गाइज अभी हम न्यू गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए जा रहे हैं। उसने मुझे बोला है कि मैंने आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए, आप जल्दी से जल्दी जाओ और न्यू गाड़ियाँ लेके आओ। तो गाइज हम न्यू गाड़ियाँ हमारे शहर से भी ले सकते हैं लेकिन हम न्यू गाड़ियाँ जो है ना वो आप दूसरे शहर से लेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पे गाड़ियाँ महंगी है, खूब बहुत महंगी गाइज यहाँ पे गाड़ियाँ, इसलिए मैं दूसरे शहर से जाके गाड़ियाँ ख़रीदने वाला हूँ गाइज। तो गाइज आज की वीडियो में हम अपने शोरूम के लिए कुछ गाड़ियाँ ख़रीदेंगे, इसी से हमारा बिजनेस और अच्छा होगा और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो गाइज जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो गाइज, अगर तो कर दो गाइज, छोटा भाई समझ के क्यों ना बोले लेकिन कर दो गाइज। तो चलो फिर चलते हैं हमारे शोरूम में पहली बार, तो देखते हैं शोरूम कैसे। तो गाइज हमारी देख ये देख सकते हो गाइज, ये हमने हमारे पास गाड़ी रखी थी गाइज, ये गाइज का निंजा स्टोर। तो गाइज आपको याद होगा हमने इसे बाय करा तो इसलिए मैंने इसे बेचा, क्योंकि ये बहुत महंगे आते गाइज और हमारे शोरूम में बहुत सस्ती दिखने लगी। तो गाइज सबसे पहले हम हेलमेट पहन लेते हैं क्योंकि गाइज हमारी सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी है। तो गाइज जल्दी जल्दी हम हेलमेट पहन लेते हैं। आप उतनी देर में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो गाइज, प्लीज़ कर दो, छोटा भाई समझ के क्यों ना बोले लेकिन कर दो गाइज। चलो अब चलते आगे। चलो हम शोरूम में, पहले तो शोरूम में जाएंगे और देखते क्या हो पाता है आज के दिन पर। तो हमारे शोरूम में काफी दूर में बैठ गया आते हैं हमारे शोरूम। तो गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं हमारे शोरूम में। देखो वो अपने फॉर्च्यूनर ही रहेगी गाइस। तो आज हम एक दूसरी गाड़ियाँ खरीदने वाले। तो गाइस देखो मैं शोरूम के उसने बताया था गाइस, वो कह रहा है कि मैंने फॉर्च्यूनर में कुछ मॉडिफिकेशन कर ली है क्योंकि उसको महंगी बेचनी है फॉर्च्यूनर, क्योंकि गाइस हमारा प्रॉफिट कुछ कमी हुआ। तो गाइस हमने बैंक से लोन लिया और अब चलिए गाड़ियाँ खरीदने के लिए, जल्दी से जल्दी चलते। उसने बैंक उसने लिया था और वो कह रहा है मुझे आप पर भरोसा है, वो आपको वापस दे दोगे। थे जो अंदर बैठा था हम उससे बात करके आते हैं, तब हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो गाइस, मैं उससे बात करता हूँ और देखता हूँ क्या इंतजाम है आज का, देखता हूँ। गाइस उससे मेरी बात हो गई गाइस, वो कह रहा है कि आप यहाँ पे एक बिल्डिंग में एक हेलीकॉप्टर भाड़े पे दे रहा है गाइस। वो आदमी एक आदमी है, वो हेलीकॉप्टर उसका जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर है वो उसके भाड़े में दे रहा है गाइस। वो लेके हमको दूसरे शहर में जाना है और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेके आना है, क्योंकि गाइस हमारे पास तो गाड़ियाँ नहीं, आपको याद होगा। तो चलते हम अपने शहर में। तो गाइस वो जो हेलीका उस बंदे का जो घर है गाइस वो काफ़ी दूर नहीं है, मैं शायद से गिरूँगा नहीं गिरा गाइस। वो उसका जो घर गाइस ये रहा गाइस, ये जो बिल्डिंग है गाइस वो उसकी। तो गाइस वो कह रहा है कि हेलीकॉप्टर यहाँ पे आएगा थोड़ी देर में, तब तो आप इंतज़ार कर लो, मैं अंदर चल के बात करके आता हूँ गाइस। गाड़ी मेरी नीचे रह गया था घर में, वो बोलेगा मुझे हेलीकॉप्टर ले 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 रहे और गाड़ी ऊपर आ रहे हो अंदर होते हैं अपने, जल्दी से जल्दी मैं उससे बात करके आता हूँ गाइस।
तो गाइस अभी उससे मेरी बात हो गई। वो कह रहा है कि हेलीकॉप्टर यहाँ पे स्पॉन हो गया, तो स्पॉन हो गया यानी कि उसने अपने आदमी को बुला दिया है। तो गाइस उसने हेलीकॉप्टर की वो जो चाबी वो मुझे दे दी। वो कह रहा है गाइस उसका वो जो दरवाज़ा गाइस वो बंद नहीं होता। और मैंने उससे पूछा मेरी गाड़ी यहाँ पे रह सकती है गाइस, तो वो बोल रहा है आप आगे ऊपर ला के यहाँ पे खड़े कर दो। तो गाइज मैंने उससे उस जो दूसरे शहर की वो इन्फॉर्मेशन भी ले ली। तो गाइज वो कह रहा है कि वो जो इसी टाइप इसी ये जो सिटी है गाइज इसी सिटी टाइप का वो जो दूसरा शहर है वो भी है। तो गाइज वो जो कह रहा है कि इसी के जैसी वहाँ पे बिल्डिंग है गाइज, इसी बिल्डिंग में एक यश टायर का शोरूम है और दूसरी ऐसी ये जो सिटी है गाइज ऐसी कुछ वो जो दूसरी सिटी है। तो गाइस हमारी गाड़ी तो यार नीचे गिर रही है, एक बार फिर से ट्राई करते, गिर तो रहने देते फिर। अब तो गिरने नहीं चाहिए। वैसे एक लास्ट ट्राई गाइस, हमारी मेहनत से खरीदी हुई गाड़ी गाइस, इसलिए गाइस अब रह गई खड़ी। वो कह रहा है तुम्हारी गाड़ी यहाँ पे रहने दो, कोई लेके नहीं जा सकती इसे क्योंकि फुल सीसीटीवी की निगरानी में। तो गाइस जल्दी से जल्दी चलते उस जगह पे, अभी किसका डोर क्या है पता है, ठोक देते हैं। चलते हेलीकॉप्टर के अंदर और बढ़ते हमारे सफर के लिए। देखो हेलीकॉप्टर हमारे तो चला गया गाइस, मैंने इससे पहली बार तो कभी हेलीकॉप्टर चलाया नहीं। मैंने उससे झूठ बोला है कि मैं हेलीकॉप्टर का प्रो राइडर हूँ, लेकिन मैंने ना हेलीकॉप्टर कभी भी चला ही नहीं। देखते कितने ऊपर जाता है हमारा हेलीकॉप्टर वहाँ पे, देखते ऐसा भी मोड़ते इसे को। गाइस ऊपर चलते गाइस ऊपर चलते गाइस ऊपर चलते गाइस ऊपर चलते ऊपर चलते गाइस ऊपर चलते फिर आएंगे गाइस। मैं ये वीडियो को स्किप करने वाला है क्योंकि गाइस सफ़र हमारा बहुत देर तक चलने वाला है, तो मैं वीडियो को स्किप करने वाला हूँ गाइस। उसके लिए मुझे माफ़ी देना वरना हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो गाइस मैं वीडियो को स्किप करने वाला हूँ, तो देखते जितने ऊपर। तो गाइस मैं आप वीडियो को स्किप करने वाला हूँ, तो गाइस उसके लिए मुझे माफ़ी देना, मैं आपको वहाँ चल के मिलता हूँ गाइस। अभी मैं इस दूसरी सिटी की एयरप्लेन में आ गया, तो गाइस मेरा हेलीकॉप्टर शायद यहीं पे रहना होगा। तो गाइस देख यहीं पे छोड़ देते और यहाँ से टैक्सी कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे नहीं छोड़ते गाइस क्योंकि हमारे हेलीकॉप्टर में गए थे, हमारा होता तो हम छोड़ देते तो किसी और का, इसलिए गाइस मुझे रास्ते में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, फिर भी मैंने यहाँ पे इसे ले गया गाइस। वो कह रहे मेरा घर है गाइस उस सिटी में, कुछ तुम्हारा घर जैसा गाइस। उसने मेरा घर कब देखा मुझे पता नहीं, लेकिन उसने एक बोला है कि तुम्हारा घर जैसा है वैसा ही मेरा घर है। तो गाइस वो कह रहा है कि तुमको अगर गाड़ी लगती है तो गाइस मेरे पास एक गाड़ी खड़ी है मोटरसाइकिल, तुम वहाँ से ले जा सकते हो। तो गाइस 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 हेलीकॉप्टर की काफ़ी क्रैश लैंडिंग होगी इसको, इसकी हालत में छोड़ते मैं टो करने वाले को फ़ोन कर देता हूँ और वो हमारे हेलीकॉप्टर को जो है सीधा कर देगा। गाइस मैं अभी चलता हूँ उस घर में। गाइस मैं गाइस हमारे हेलीकॉप्टर का सीन कर जाओ। गाइस मैं टॉक करने वाले को फ़ोन लगा देता हूँ, वो उसे सीधा करके छोड़ देंगे। मेरी उनसे बात होगी, वो कह रहा है कि आप फिकर ना करो, मैं आपका हेलीकॉप्टर जो है उसे उधर कर देता हूँ, क्योंकि गाइज हमारे हेलीकॉप्टर तो नहीं लेकिन मैंने उससे जुड़ा वाला था। तो गाइज जल्दी से जल्दी उसकी बाइक लेके हम बढ़ते शोरूम की तरफ। बाइक मिल गई है टेंशन, गाइज जल्दी जल्दी चलते हम शोरूम की तरफ। वो कह रहा है कि गाइज तुम्हारे, तो गाइज जल्दी शोरूम की तरफ बढ़ते। अभी हम जल्दी से जल्दी चलते शोरूम में। तो गाइज उसको मैंने बता दिया था कि गाइज आपने जी एस टी और लैम्बोर्गिनी का जो शोरूम का पता है वो जो बता देना, और एक था एक फॉर्चुनर का है हमारी थार, तो हम नहीं लेंगे क्योंकि थार तो काफ़ी गाइस थार तो ज़्यादा से ज़्यादा दिखती नहीं। तो गाइस मैं यहाँ पे गाड़ी लेके आ गया,
जी इतनी महंगी गाड़ी का शोरूम और मैं अपने जी कौन सी गाड़ी इतनी जी ये भी पता नहीं। चलते आते देखो ये जो शोरूम है जो शोरूम है ये एस्टोर का शोरूम है, देख सकते हो कितनी कितनी सारी एस्टोर यहाँ पे खड़े गए गए। ये जो शोरूम जल्दी जल्दी उस शोरूम के ऑनर से बात करते हैं और रेट पूछते हैं स्टोर का और डायरेक्ट डील करके आते हैं। फर्स्ट हम यहाँ से 5 स्टोर बुक करने वाली हो सके तो उनको कह देंगे क्यों आप जो दूसरे सिटी उसका नाम तो क्या पूछते वहाँ पे आप उसे एयरपोर्ट पे छोड़ देने का कितना लोगे तो मैं जल्दी से जल्दी बात करके आता हूँ। तो गाइस मेरी उनसे बात होगी ये वो कह रहे कि आप टेंशन मत लो मैंने वहाँ से 5 स्टोर बात कर बाय कर लिए गाइस और वो जो शोरूम का ओनर है वो काफ़ी अच्छा गाइस उसने हमें डिस्काउंट में फ्री डिलीवरी का दे दिया गाइस वो हमें फ्री डिलीवरी अपने एयरपोर्ट में कर देंगे गाइस अपने एयरपोर्ट तो नहीं गए तो वहाँ पर हमारे शोरूम है। तो गाइस जल्दी से जल्दी उस उनको बोला दिया है 5 स्टार जल्दी से जल्दी हमारे एयरपोर्ट में जो है वो भेज देना। अब जल्दी से जल्दी चलते हमारे लैम्बोर्गिनी के शोरूम में। लैम्बोर्गिनी के शोरूम में यहाँ से काफ़ी दूर नहीं गए थे आप हमने आपको याद होगा हमने लैम्बोर्गिनी चुराई थी गैस वो जो शोरूम है वैसा ही शोरूम यहाँ पे गए उसकी शाखा है गैस उसी शाखा से हम लैम्बोर्गिनी बाय करने वाले एक दिन चुरा ली थी एक दिन बाय करने वाले जब तो कहा थी डिस्टेंस वगैरह उसकी जैसी भी है तो ये मुझे ही पता नहीं गई देखते क्या आते आज मुझे तो पता नहीं है ये सिटी तो कोई कोई कुछ भी नहीं है देखते गए आगे पते आगे देखते गए ये होता है तो इसके बारे में तो क्या करें तो हमारे जिसमें बहुत ये देखते गए स्टोर का शोरूम है जो रही वो एक यही है शायद से मैं देखता हूँ शायद यही यही होना चाहिए उसने उसको उसने बताया था कि जो मेरा घर उसके सामने लैम्बोर्गिनी का शोरूम होगा अब देख लो उसकी हमारे यहाँ की शाखा है वो और यहाँ की यानी कि आप समझ सकते हैं इसका यहाँ की शाखा है उसने मुझे बताया था कि आज हमारे घर के सामने ही हमारे घर के सामने शोरूम में वहाँ से बाय कर सकते हो उनका मेरा उनको मेरा नाम बता देना वो आपको सस्ते में गाड़ियाँ दे देंगे। तो भाई चलते हैं बिना किसी देर को हमको क्या गाड़ियाँ से मतलब 5 लैम्बोर्गिनी भी ले लेते 5 एस्टर हो गया और 5 लैम्बोर्गिनी भी ले लेते आप भी चलते बिना किसी देर के। तो भाई देखते वहाँ पर अगर फॉर्चुनर भी मिल पाई तो उनका उसमें हमारे यहाँ से हेडकैप्टर लिया था गाइस जिससे आपको याद होगा हमने पूरी डील कर दी थी वो कह रहा है कि आप यहाँ से लैम्बोर्गिनी लेंगे उनको ही पूछना फॉर्चुनर का उनके दोस्त का फॉर्चुनर का भी शोरूम है तो गाइस देख सकते हैं लैम्बोर्गिनी उनको बोल देना आपको फॉर्चुनर भी होगी तो वो जो है ना वो आपको डिस्काउंट में दे देगा देखते डिस्काउंट में देते हैं पाता या फिर मैं हमारे जो एस्टोर वाले नए भैया ने उन्होंने दिया था गाइस डिस्काउंट में देखते हुए दे पाते या फिर गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी लैम्बोर्गिनी खड़ी है तो चलते आज बात करके आते क्या रेट है देखते। तो गाइस अभी मेरी उनसे बात होगी गाइस वो कह रहे कि लैम्बोर्गिनी आपको मिल जाएगी फॉर्चुनर भी मिल जाएगी लेकिन थोड़ा देर लगेगी गाइस फॉर्चुनर को जो कह रहा है कि अभी फॉर्चुनर का माल है उसके पास अवेलेबल नहीं गाइस इस शोरूम वाले ने हमारे हमने इस शोरूम वाले से हमने 5 लैम्बोर्गिनी ले लिए अब चलते हैं हमारे शोरूम पे गए और 5 फॉर्चुनर भी ले लिए इनको पे कर दिया गया इन्होंने अपने दोस्त को पे कर दिया जो कि उसका दोस्त कह रहा है कि आप मेरा मोबाइल नंबर ले लो और फॉर्चुनर जब भी रेडी हो जाएगी मैं आपको आपके सिटी में भेज दूँगा। तो अब जल्दी से जल्दी इस जो दोस्त की बाइक लेके हम घूम रहे उनको उसको ये बाइक दे के आते जल्दी से जल्दी चलते।
अभी तो गाइस अभी चलते हैं हम जल्दी से जल्दी अपने घर, अपने यानी कि उस जहाँ से हमने हेलीकॉप्टर लिया था गाइस उसके घर, ये बाइक उसको छोड़ देने और हमारा उसके ही हेलीकॉप्टर लेके हमें अपने शहर में जाना गाइस। गाइस देख सकते गाइस ये जो हेलीकॉप्टर है ऑटो वाले भैया ने सीधा करके रख दिया है, तो गाइस हमारा हेलीकॉप्टर होता था हम इसी जा करके, लेकिन ये हमारा नहीं था गाइस इसकी, इसीलिए हमने उस ऑटो वाले भैया से कहा क्या हो गया शायद से कुछ एक्सीडेंट हो गया गाइस। देख सकते गाइस इस शहर में तो ये आम बात गाइस एक्सीडेंट की, नहीं देखो मैंने हेलमेट कब पहना जब मैं गाड़ी से उतरा गाइस, गाड़ी कैसे गिर गई तो हमारी गाड़ी नहीं है गाइस इसलिए हमें इसे सीधा करके छोड़ना होगा। वो कह रहा था कि गाड़ी अपने अंदर लगा देना तो उसके भैया ने गाड़ी बाहर खड़ी करके दी थी, लेकिन उसने बोला था आप गाड़ी आते समय अंदर खड़ी करके आ जाना। वैसे भी चलते हम बिना किसी देरी के अपने शहर में, अपना शहर काफ़ी दूर गई पिछली बार की तरह, इस बार भी मैं आपको वीडियो में नहीं बताने वाला, मैं आपको डायरेक्ट जाके बताने वाला लेकिन ये दरवाजे के बस उड़ा देता है, ये मुझे पता नहीं इस तरीके से चलने क्या लॉजिक है। एक गाइस अभी अभी एक इंसान गाड़ी से टूट गया, देखो गाइस उसका ब्लड हुआ थी, और पुलिस पुलिस ने आती क्या आया अभी क्या पता है, पुलिस शहर से आने वाली आने का नाम ही नहीं लेती। अब चलते गाइस आप हमारे गाँव में गाइज, अभी हम सीधा अपने शोरूम में जाने वाले गाइज, मैं आपको मिलता हूँ सीधा शोरूम में जाने के बाद। गाइज काफ़ी देर की मेहनत के बाद में हम पहुँच गए अपने शोरूम में, चलते आगे गाइज उस शोरूम के जो हमने इंसान रखा था गाइज काम पे, तो गाइज उसने बता दिया कि फॉर्च्यूनर भी बिक गई है गाइज, आप जल्दी से जल्दी न्यू गाड़ियाँ लेके आओ वरना मुझे कुछ काम नहीं रहेगा गाइज, कि उसको बता दिया था गाइस कि गाड़ी आने वाली है, कल गाड़ी आने वाली है हमारी, कल गाड़ी जो गाइस कल S2R और शायद लैम्बोर्गिनी भी आएगी जाएगी कल, देखते गाइस कौन कौन सी गाड़ी आ पाती है कल। और मैं हेलीकॉप्टर अभी लैंड करने वाला हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे नहीं उनके पास लेके जाना होगा गाइस, मैं अभी शोरूम के ओनर से बात करती हूँ करते और देखते हैं क्या होगा, बहुत देर लेते हैं हो गया बंद। वैस मैं अंदर जाके बात करके आता हूँ वैस, और फिर हम जल्दी से जल्दी जाएंगे उसके घर। तो गाइस अभी मेरी उससे बात हो गई, ये वो कह रहा है कि आप जल्दी जल्दी उसका हेलीकॉप्टर लौटा दोगे वरना हम कल लौटाएंगे तो उसका वो कल का भी चार्ज लेगा, तो जल्दी से जल्दी इसको हेलीकॉप्टर अपना लौटा देती, उनका है गाइस अपना नहीं है, हम भी ले लेंगे एक दिन, क्या लगता है हेलीकॉप्टर लेने में पैसा तो है इसलिए, एक दिन हमारा बिजनेस अगर अच्छे से पार कर गया तो हम भी हेलीकॉप्टर ले लेंगे गाइस, ये मेरा वादा है आपसे, हेलीकॉप्टर का भी शोरूम खोलेंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर शायद से ज़्यादा लोग लेते नहीं, यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग शौकीन हैं गाड़ियों में गाड़ियाँ लेने में, बढ़ते गए जिसका हेलीकॉप्टर उसको देने के लिए छोड़ने वाला गाइस, उस जहाँ से हमने हेलीकॉप्टर लिया था गाइस वो कह रहा है कि गाइस आप मेरा हेलीकॉप्टर मेरे छत पे लैंड कर देना, और फिर आप गाइस छत पे नहीं किया था गाइस शायद से उसने बोला था अपना जो हेलीकॉप्टर है गाइस वो आप ही जो है ना वो आप रखने के बोला था गाइस, उसने बोला था गाइस गाड़ी जहाँ मॉडिफाई होती है वहाँ पे जाके रख दो
मैं आपकी एस टू बी वाई पे छोड़ देता हूँ गाइस। देखो गाइस एस टू बी छोड़ने वाला है जो हमारा बंदा गाइस। गाड़ी ऐसे ऐसे ही मॉडिफाई होती है तो देखते क्या होता है। तो गाइस उसका उस बंदे के पास एक और ऐसे ही तरह का हेलीकॉप्टर गाइस। वो कह रहा है कि वह हेलीकॉप्टर भी खड़ा होगा गाइस। तो गाइस ये रखो गाइस क्रैश हो गया तो गाइस हमारे साथ उससे गाइस हमारे उस बंदे के पास दो दो हेलीकॉप्टर है। और उसने बताया था कि आपकी जो गाड़ी है सीधा हो गया गाइस जी। अच्छी बात है गाइस यार प्लान कर लेते यार हो जाए। यहाँ पे लैंड हो गया है और अभी हम हमारी एस टू लेके यहाँ से नौ ग्यारह होते हैं। हमारी एस टू का गई हमारी एस टू हम सीधा शोरूम में जाने वाले गाइस अभी, क्योंकि शोरूम में कुछ मॉडिफिकेशन करने का काम भी देना है गाइस किसी को, तो देखते हो पाता है या फिर नहीं। पैसे तो मेरे पास कुछ भी बचे नहीं, मैंने गाइस एक फॉर्चुनर उधर ले ली, उसको भी पैसा चुपका करना होगा। इसलिए उस शोरूम वाले ने मुझे डिस्काउंट में दिया, मैं उधर ले रहा था। मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट देखते क्या होता है, फिर उस शोरूम से मुझे एक भी डिस्काउंट नहीं मिला। इससे इनसे फॉर्चुनर ही उधर ले ली, अगर पैसा देते तो हमारी फॉर्चुनर जो है वो हमें डिस्काउंट दे पाता। आप तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय।